अच्छा हमारे जो शहर में है ना कराची में सबसे ज्यादा क्या बिकता है पता है आप लोगों को? क्या बिकता है? अब आप लोगों के जहन में बहुत सारी चीजें आ रही होंगी, लेकिन सबसे ज्यादा जो यहाँ बिकता है ना वो है हेलमेट। हेलमेट बहुत बिकता है, जाहिर सी बात है यार, मतलब हर बंदा डकैत है यहाँ पे तो हर कोई खरीदेगा, जाहिर सी बात है वो चाहने हेलमेट जो पहनते हैं। अब मैंने लव्स हेलमेट बोला तो आप लोगों के जहन में सबसे पहली बात क्या आई? सेफ्टी यही आई है ना। अब मेरे जहन में क्या बात आती है पता है? कोई मुझे हेलमेट का बोलता है, मुझे याद आता है डकैत। अच्छा अंग्रेजों ने हेलमेट बनाया किस वजह से? चोट ना लगे। हम लोगों ने मतलब ही बदल दिया हेलमेट का। जैसे मिसाल के तौर पे किसी को अपनी बंदी से मिलने जाना होता है, गेस्ट हाउस तक लेके जाना होता है, वो हेलमेट पहन लेता है, बोलता है बैठो। तो हम लोगों ने हेलमेट का मतलब ही चेंज कर, वो रोड के एक्सीडेंट के लिए भाई, इस एक्सीडेंट के लिए नहीं है, मतलब वो आप उधर बच सको, इस यहाँ बचने के लिए थोड़ी है यार हेलमेट, पीछे बैठो। बाप घूम रहे होते हैं अपने घर के आगे से भी निकल जाते हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता हेलमेट पहन के। हाँ तो अंग्रेजों ने हेलमेट इस वजह से बनाया था कि रोड का एक्सीडेंट ना हो आपका, अगर हो जाता तो आपका सर बच जाएगा, सेव रहोगे आप। हमारे वाले इतने आरामी है, पूरी रात क्रीमें लगाते हैं, सुबह जॉब पे जाते हैं हेलमेट पहन के जाते हैं, रंग काला ना हो जाए यार। अच्छा एक दफा क्या हुआ, मैं हेलमेट खरीदने गया ना, मैं हेलमेट खरीदने यहाँ अक्सर होता है ना रोड के किनारे ठेलों पे सेल हो रहे होते हैं हेलमेट, तो मैं गया, मैंने बोला यार एक अच्छा सा हेलमेट दिखा दो। अब उसने मुझे हेलमेट दिखाया ठेले वाले ने, तो मैं हेलमेट देख रहा हूँ ना, इतने में दो बंदे आते हैं कहते हैं एक हेलमेट दिखा दो। मैंने बोला खरीदने आए होंगे मेरी तरह हेलमेट, तो फिर वो ठेले वाले ने उसको हेलमेट दिखाया। अब जाहिर सी बात है जब आप कोई मतलब किसी से चीज़ खरीदते हो तो वो उस चीज़ की तारीफें करता है कि ये ऐसा है वैसा, तो वो शुरू हो गया बोला कि भाई ये हेलमेट बहुत ज़्यादा मजबूत है, अल्लाह ना करे आपका एक्सीडेंट हो तो आप इसमें सेव रह सकते हैं, आपके सर में चोट नहीं आ सकती। अब वहाँ से ये क्या बोल रहे हैं उसको, बोले भाई हम लोगों को एक्सीडेंट से बचने के लिए हेलमेट नहीं चाहिए, हमें लोगों से बचने के लिए हेलमेट चाहिए, ऐसा हेलमेट दे के सामने वालों को मैं नजर ना आऊं। बोला मतलब सामने वाला मुझे ना पहचान पाए। अब वो फिर पूछ रहा है मतलब, बोला मतलब तेरी तो। अब मैंने बोला समझ गया, मैंने उधर से एक हेलमेट उठाया, मैंने बोला ये देखें आपके हिसाब से ये सही है ब्लैक शीशे वाला, आप ये लेके जाए। अच्छा मैं उनके बीच बैठा हुआ था, मैंने उनको एक बात बताई, मैंने बोला तुम लोगों मतलब तुम इस्लामाबाद वाले, हम कराची वाले, हमारा दिल तुमसे बहुत बड़ा है। तो पूछते क्यों, क्या किस बात पे? तो मैंने उनको ये बताया, मैंने बोला ये बताओ रात को 2:30 बजे अगर तुम्हारा यहाँ पेट्रोल खत्म हो जाए कोई रुकेगा तुम्हारी मदद करने के लिए? बोला नहीं। बोला सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई रुके। मैंने बोला हमारे कराची में रुकते हैं लोग, मैं बताता हूँ कैसे रुकते हैं। मैंने बोला रात को अगर 2:30 बजे, मैंने बोला मेरे साथ हुआ है, मैं जाती एक्सपीरियंस रखता हूँ, किसी की बात नहीं बता रहा, अपनी बात बता रहा हूँ। मैं जा रहा था रास्ते से, रात को 2:30 बजे मेरा पेट्रोल ख़त्म हो गया, मैंने बाइक साइड पे लगाई, अब सोच रहा हूँ क्या करूँ, अब मोबाइल निकाल नहीं सकता, रात का टाइम है, जाहिर सी बात है स्नैचिंग वगैरह। अब मैंने बोला यार चलो, दो बंदे आते हैं, यकीन करो यार, मतलब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, खुशी वाली बात बता रहा हूँ, दो बंदे आए मेरे पास, बाइक लगाई, बाइक पे उतरे, बोला क्या हुआ? मैंने बोला यार पेट्रोल ख़त्म हो गया। तो उसने मुझे आगे से क्या बोला पता है? मुझे आगे से बोलता है, अब मेरे जैसे करीब आया ना, उससे छूटते ही एक ही जुमला बोला है जो बहुत ज़्यादा फेमस है कराची में, मोबाइल निकाल भड़वे। छूटते ही आवाज़ होगी, मोबाइल निकाल भड़वे। अब मोबाइल वाला यार तुम लोग किधर से आए? मेरे ये मोबाइल पकड़े हैं और ये पैसे पकड़े हैं। अब वो लोग जाने लगे, लेकिन मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मुझसे मोबाइल लेके गए, मुझसे पैसे लेके गए, मुझे इस बात की खुशी है कि रात को 2:30 बजे आपके लिए रुके हैं वो। इस्लामाबाद में कोई रुकता है? कोई रुकता है? हमारे यहाँ रुका जाता है। और दूसरी बात ये, जहाँ तुम लोग इतना यहाँ पे मतलब कराची के अलावा दूसरे शहरों में जितना तुम लोग ब्लड डोनेट करते हो ना, उससे ज्यादा हम उधर मावे डोनेट करते हैं।